कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस का एक प्रमाण है या प्रूफ है। उन कठिन दिनों में वीरों की अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन मेरी समझ में एक बहादुरी का मानक बना हुआ है। इस अवसर पर मैं हमारे एयर वॉरियर्स और उनके योगदान की भी सराहना करना चाहता हूँ, जिसमें कि उनके बहादुर फाइटर पायलट्स, उनके हेलीकॉप्टर पायलट्स ने भी ग्राउंड फोर्सेस का बहुत अच्छा समर्थन दिया है और फाइनल ऑब्जेक्टिव को पाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यह दर्शाता है कि दोनों सेनाओं के बीच एक अच्छा तालमेल है और वो आज तक भी यह तालमेल आगे चल रहा है। साथ ही मैं स्थानीय जनता और यहाँ के आवाम के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी जोखिम उठाकर हर मात्रा में, हर मुकाम में सेना का समर्थन दिया है। और एक परंपरा जो हम आवाम और जवान कहते हैं, उसको सार्थक बना के दिखाया है। और आज भी सेना का यहाँ पर जितने भी लोकल निवासी है या आवाम है, उनके साथ बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बना हुआ है। भारतीय सेना जमीन और मौसम की अनिश्चितता और चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी ऐसे दुर्गम इलाकों पर तैनात है और इसी तक इसे इसके साथ सीमा की रक्षा करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। हमारे सैनिक न केवल अपने यूनिट्स और भारतीय सेना को गौरवान्वित करते हैं, पर बल्कि आपके त्याग और बलिदान से देशवासियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। भविष्य में हमारे सामने खतरे और नई चुनौतियाँ कई तरह से जटिल होने की संभावना है और हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी तैयारी आधुनिक और भविष्य के खतरों का सही मायने में सामना करने के अनुरूप हो। और इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का एक एडाप्टिव, रेजिलिएंट और रिस्पॉन्सिव प्रक्रिया को हमने कार्यान्वित किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके चलते हमारी सेना भविष्य में एक मॉडर्न या आधुनिक, अजाइल, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और एक फ्यूचर रेडी फोर्स बनकर भविष्य में जितनी भी हमारी सुरक्षा चुनौतियाँ या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसको मिलने के लिए पूरी तरह सशक्त, समर्थ और तत्पर रहेगी।